बेलागंज प्रखंड के अंतर्गत ग्राम लोदीपुर और ये पंचायत भी लोदीपुर पड़ता है, जहां पर एक बिहार सरकार भवन बनी है। इस भवन का मैं कोई कथा कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूं। ये बात ये है कि नेशनल हाईवे गया पटना रोड पर जो मध्य विद्यालय सिलौंजा का निर्माण हुआ था, उसको उत्क्रमित कर दिया गया है। जो एनएच 83 में जाने के बावजूद जो है उस विद्यालय को तोड़ दिया गया है, और उस विद्यालय को तोड़कर किसी खास गांव में सिलौंजा गांव में जो उस विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। जो बच्चियां हैं मैं उनसे जानना चाहूँगा, ये बताओ बेटा तुम अपना नाम पहले बताओ, क्या नाम हुआ तुम्हारा? खुशबु कुमारी नाम है तुम्हारा। कहाँ पढ़ती थी, कौन विद्यालय में? सिलौंजा में पढ़ती थी। तो क्या बेटा वहाँ जो NH 83 में रोड चला गया है उसके वजह से वो विद्यालय तुम्हारा टूट गया है, और वो विद्यालय के निर्माण कहीं दूसरे जगह करवाया जा रहा है। क्या उस विद्यालय में तुम पढ़ने जाओगी? क्या क्या तुम्हारा विचार है इसमें? सिलौंजा स्कूल में नहीं जाओगी? जाएंगे तो सिलौंजा चैनपुर गाँव में, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे पढ़ने? क्यों नहीं जाओगे बेटा, क्या दिक्कत है वहाँ? दूर है। दूर है, वहाँ पढ़ने नहीं जाओगी? क्या दिक्कत हो सकती है वहाँ जाने पर? तो देखिए ये बच्ची लोग हैं, ये लोग का कहना है कि जिस जगह हमारा जो विद्यालय टूट रहा है NH 83 में, वो जो अगले गांव में चला गया है वहाँ निर्माण हो रहा है, वहाँ बच्चियों का कहना है कि हम वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। वहाँ अगर विद्यालय बनता है तो वहाँ उस विद्यालय में, उस गांव में भी के विद्यालय में हम पढ़ने नहीं जाएंगे, ये लोग को कहना है। तब ये बताओ बेटा कि उस विद्यालय को कहाँ बनाया जाए जहाँ तुम लोग सुरक्षित पढ़ने जा सकती हो और सुरक्षित रह सकती हो? ये कौन सा जगह है? कौन सा ब्लॉक है बताओ ना? लोदीपुर पंचायत में। जिस जगह पर अभी तुम खड़ा हो, 9th क्लास में पढ़ती हो, अच्छा इसमें से कौन बच्चा बताएगा? ये बताओ बाबू कि तुम लोग का जो विद्यालय तोड़ दिया गया है और किसी गांव में निर्माण हो रहा है, क्या वहां पढ़ने के लिए जाओगे? नहीं सर। नहीं सर। क्यों नहीं जाओगे? यहाँ पढ़ते तो वहाँ दूर बहुत पड़ेगा, इसलिए हमारा पुराना विद्यालय ठीक है। पुराना विद्यालय ठीक है, यहाँ होगी दूरी पड़ता है उसमें, इसके वजह से ये बच्चा लोग वहाँ पढ़ने नहीं जाने का निर्णय ले रहे हैं। तो क्या अगर भी सरकार वहाँ विद्यालय निर्माण करवा देगी तो क्या आप लोग पढ़ने जाएंगे? पढ़ने जाएंगे? पढ़ने जाएंगे? ये तो बच्चा लोग बिल्कुल एकदम नाराज है कि वहाँ विद्यालय जो बना है या निर्माण हो रहा है वहाँ नहीं जाएंगे। कुछ यहाँ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आपका क्या राय है? तो ये बताएं कि वो भी जिस गांव में बन रहा है वो भी लोदीपुर पंचायत में ही है, वहाँ क्यों नहीं चाहते हैं कि बने? हम लोग नहीं डालेंगे बच्चा को, छोटा छोटा बच्चा है, दूर में नहीं डालेंगे। नहीं जाएगा पढ़ने के लिए? देखिए ये ग्रामीण ऐसा जवाब दे रहे हैं कि मेरा बच्चा अगर अनपढ़ भी रह जाए फिर भी मैं उस गांव में बच्चा को पढ़ने नहीं जाने दूंगा। मैं संतोष कुमार उपाध्याय, प्रभारी प्रधानाध्यापक, आदर्श मध्य विद्यालय सिलौंजा बेलागंज के साथ साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय सिलौंजा लोदीपुर बेलागंज का प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर काम कर रहा हूँ। जहाँ तक विद्यालय जो भवन जो पहले निर्माण वहाँ चल रहा था, विद्यालय चल रहा था, वो विद्यालय जो है अब NH 83 में जाने के कारण टूटने के कगार पर पहुंचा हुआ है। अब विद्यालय का निर्माण दूसरे स्थान पर करने की जो बारी आ रही है, इसके अंतर्गत जो है विद्यालय सिलौंजा गांव में, जहाँ की एक तालाब का रूप है उसमें विद्यालय निर्माण की बात आ रही है। मैं आज 2 से 2.5 साल के दरमियान जो है वहाँ प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं वहाँ काम करते हुए इस बात को महसूस किया हूँ कि वहाँ पर विद्यालय को बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया है, यहाँ तक कि शौचालय को गंदा कर देना, वहाँ बिजली के तार को काट देना ताकि बच्चे पानी के लिए छछनते रहें। मैनेजमेंट करने में बहुत तरह की समस्याओं को मुझे जूझना पड़ा है। इसके साथ साथ इधर जो है 8-10 दिनों से पब्लिक का जो मूवमेंट आया हुआ है मेरे ऊपर कि सर यदि विद्यालय सिलौंजा गाँव में जाता है तो आप हमारे बच्चे का TC काट दें। मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, इसके लिए मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन यदि विद्यालय सिलौंजा गांव में जाता है तो मेरा बच्चा वहां पढ़ने नहीं जाए। आप शिक्षक हैं, आप वहां पढ़ा सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे को TC जो है दे देंगे ताकि मैं अपने दूसरे जगह पर सोचूंगा अपने बच्चे को नामांकन देंगे। अतः मैं कहना चाहूँगा कि यदि संभव हो सके तो विद्यालय इसी परिवेश में इसी जगह पर बनाने की कोशिश की जाए।
तो देख सकते हैं ये उसी विद्यालय का, जिस विद्यालय का मैं बात कर रहा हूँ, उसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं जिन्होंने अपना बयान दिया है कि हमारे विद्यालय में जब वहाँ हम प्रभारी थे तो उस समय हमारे विद्यालय में अनेक तरीका का वहाँ दुरुपयोग किया गया था। तो सर वहाँ जो है शौचालय तोड़ दिया जाता, शौचालय को पानी बल्ब को खोल लेना, बल्ब को खोल लेना, तरह तरह के वहाँ जो है उपद्रव किया जाता था वहाँ पब्लिक के द्वारा। और ये जो प्रधानाध्यापक ये बोल रहे हैं कि हमारे जितने भी नामांकित बच्चे हैं उनका गार्जियन का कथन है कि अगर विद्यालय वहाँ बनती है तो श्रीमान आपसे निवेदन है कि हमारे बच्चा वहाँ पढ़ने नहीं जाएंगे, मेरे बच्चों को टीसी जो है काट के आप दे दें। मेरा इस मामला को देखा जाए, इस जगह पंचायत समिति जो है उनके पति यहाँ मौजूद हैं और साथ में जिला परिषद भाग संख्या 6 के जो स्कूल में पढ़ते हैं, कोई बढ़िया रही ज्यादा के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, और हम कहाँ कर रहे हैं रही ज्यादा के गाँव में स्कूल बना वहाँ पर बच्चा कैसे एडजस्ट कर पाएगा। और सर के शिकायत मिलवे क्या कि शौचालय तोड़ दिया जाता है, ये होता है क्योंकि ये विद्यालय ऑलरेडी NH-83 नेशनल हाईवे पर बना है, फिर भी ये इस विद्यालय का ये हाल। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात ये है कि जो भी पदाधिकारी होता है चाहे CEO हो या MD हो, किसी भी प्रतिनिधि से राय सलाह लेता ही नहीं, क्योंकि इसके लिए पंचायत समिति से जिला परिषद से अनुशंसा लेना बिल्कुल जरूरी है कि स्कूल हमको कहाँ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पदाधिकारी अपना मनमानी कर जाता है, कहीं भी किसी भी प्रतिनिधि से तो पूछता ही नहीं है, ऐसा लगता है वो तो पूरे पंचायत को क्षेत्र को अपने असर से नहीं कर रहा है। हम लोग को जिन्होंने बयान दिया है और इन्होंने जिस प्रकार से CEO को ऊपर आरोप लगा रहे हैं और इसी बात को पंचायत समिति पति के द्वारा भी आरोप CEO के ऊपर लगाया गया है कि जब मैं जाता हूं वहां और राजस्व कर्मचारी से बात करता हूं तो इस प्रकार के वो हमसे मूवमेंट में बात करते हैं कि वो जात किसी जाति समुदाय के पक्ष में वो अपना पक्ष को रखना चाहते हैं और इनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच में एक ग्रामीण मौजूद है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा क्या मामला है। पूर्व वार्ड सदस्य रणधीर यादव, मैं कहना चाहता हूँ कि लोधीपुर पंचायत में ही स्कूल बनना चाहिए क्योंकि गरीब गुरबा का बाल बच्चा सिलौंजा गांव भी लोधी ही पूर्व पंचायत में, पंचायत में तो लोधीपुर है लेकिन बनना चाहिए लोधीपुर में, इसलिए कि लोधीपुर का है ना। क्या सिलौंजा स्कूल लोधीपुर पंचायत रेवनू में पड़ता है, ये जानकारी है आप? सिलौंजा गांव पड़ता है लोधीपुर रेवनू में, ये आप पूरी तरीका से जानकारी कर लें। तो इन्होंने बताया और जिस प्रकार का स्टेटमेंट लोगों का आया है और निर्मल जी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, CEO को सूचना दिया गया है कि अगर इस बात को अगर वो नहीं मानने के लिए तैयार हैं और वहाँ काम बंद करा के अगर मठना पर जहाँ इन्होंने ज़मीन का चयन करके दिया है कि यहाँ बनाया जाए, अगर नहीं इस बात को CEO साहब मानने के लिए तैयार होंगे तो ये बहुत जल्द ही पब्लिक के जन समर्थन के साथ ये ब्लॉक का घेराव करेंगे और NH-83 को जाम करेंगे। धन्यवाद।